अरे संसद को छोड़ो, ये सोनिया राहुल ये अगैरा वगैरह ये जितने भी ये घूम रहे हैं ना मोदी के पीछे, ये चाय वाले के पीछे पड़े हुए हैं, समझे। इनका बाप दादा परदादा जवाहरलाल नेहरू, जिसको कहते हैं नेहरू, हम नेहरू नहीं मानते उसे, कौन कहता है नेहरू, किसने बनाया नेहरू उसको, किसने बनाया नेहरू, नेहरू किसने बनाया उसको, हम नहीं मानते नेहरू, समझे। अपने नाम के आगे कोई गांधी लगा लेता गांधी बन जाएगा। कांग्रेस वाले तेल बेच रहे थे क्या, देश बना रहे थे, ये देश बना रहे थे। 70 साल में मेरे घर में बरेली में लाइट आई है, क्या कर रहे थे ये, तेल बेच रहे थे, तेल 70 साल के बाद में लाइट आई है मेरे घर में। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है चंद्रमोहन कश्यप। अच्छा कश्यप साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? यहाँ चावड़ी बाजार के। अच्छा बताइए, जो संसद भवन का बवाल चल रहा है, क्या लगता है कि कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाइए, मोदी ना आए? अरे संसद को छोड़ो, ये सोनिया राहुल ये अगैरा वगैरह ये जितने भी ये घूम रहे हैं ना मोदी के पीछे, ये चाय वाले के पीछे पड़े हुए हैं, समझे। इनका बाप दादा परदादा जवाहरलाल नेहरू, जिसको कहते हैं नेहरू, हम नेहरू नहीं मानते उसे, कौन कहता है नेहरू, किसने बनाया नेहरू उसको, किसने बनाया नेहरू, नेहरू किसने बनाया उसको, हम नहीं मानते नेहरू, समझे। अपने नाम के आगे कोई गांधी लगा लेता गांधी बन जाएगा। ये अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के लाइसेंस दिए थे कमा के खाने के लिए। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, नेहरू डकैत, इसने 1957 में म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी, म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी। ये लाइसेंस आज तक रेनू नहीं करा, कहां मर गए ये, तेल बेच रहे थे तेल, कांग्रेस वाले तेल बेच रहे थे क्या, देश बना रहे थे, ये देश बना रहे थे। 70 साल में मेरे घर में बरेली में लाइट आई है, क्या कर रहे थे ये, तेल बेच रहे थे तेल, 70 साल के बाद में लाइट आई है मेरे घर में। पार्लियामेंट में गोलियां चलवा रहे थे 7 नवंबर 1966 में 10 लाख साधु संतों पे, ये किसन 1960 में, आज 63 साल हो गए, किशन चौधरी की डेयरी में आग लगवाई, 3 डेयरियां थी किशन चौधरी की, ये क्या नाम है, जमुना पे शांति वन में किसानों की झोपड़ियों में आग लगवाई, पाकिस्तान से आए हुए रफूजियों की झोपड़ियों में आग लगाई, जमुना बाजार में, अरे 2 पुलिस वाले भेज देते, अरे उस टाइम तो ऐसा कानून था, पुलिस वालों को देख के लोग घरों में दुबक जाते थे, और ये डकैत, ये पापे इन्होंने गरीबों की झोपड़ियों में आग लगवा दी, अरे किनको, ये कांग्रेस वालों को, ये नेहरू डकैत, ये तो कहते हैं, अरे नेहरू डकैत, नेहरू डकैत, चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया 62 में, नेहरू कहता भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो, भोले भाले लोग थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ कुबड्ढे लोग थे, समझे, उतार उतार के जेवर डाल दिए, देश है तो हम है, अरे देश है तो हम है, अरे हमारी जमीनें खा गए। 1957 में बरेली के अंदर जहाँ रबड़ फैक्ट्री खड़ी है, आज 26 साल हो गए बंद पड़े हुए, 25,000 आदमी बेरोजगार हो गया, रामपुर में 3 मिलें बंद पड़ी है कपड़े की और कागज की गत्ते की, 18 साल से बंद पड़ी हुई है, 27 गांव की जमीनें छीन ली गई 1957 में, 1381 एकड़ जमीनें छीन ली गई इन डाकुओं को, अरे इनका बहुत पुराना इतिहास है, ये देश को लूट के खा गए, बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गए, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए, DTU की बसें बेच के खा गए, DTU की, जगदीश टाइगर परिवहन मंत्री था ये, वो भी डकैत बेच के खा गए। आप इतनी सारी कह रहे हैं कांग्रेस वाले बेच गए, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी देश बेच रहे हैं, अरे मोदी देश बेच रहा, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये चाय वाले के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों, ये इसीलिए, ये चाय वाला मलाई कैसे खा रहा है, चाय वाला मलाई कैसे खा रहा है, अरे वहां जाके देखो ना, सफदरजंग, सफदरजंग में वो क्या नाम है, मदरसा, मदरसे में बोर्ड लगा हुआ है राजीव गांधी भवन, वहां से वहां जाके देखो, मदरसे में सफदरजंग जो मदरसा है वहां बोर्ड लगा हुआ है राजीव गांधी भवन, समझे। इनके बाप की प्रॉपर्टियां हैं, कहीं पर भी कब्जा कर लो, कहीं भी कब्जा कर लो। ये देखो DK शिव कुमार है जो कांग्रेस से आया कर्नाटक में, इसकी जो नेटवर्थ इसने दिखाई है वो 1200 करोड़ दिखाई है, ये कांग्रेस का है, ये कर्नाटक में जीता है, ये गरीब इंसान 1200 करोड़ इसकी नेटवर्थ कैसे हो सकती है, आप बताओ। कांग्रेस अगर लूट रही है तो इतना लूट रही है कि
बिल्कुल है, कर्नाटक में बोल रही है कि आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, जो जॉब नहीं उनको फ्री देंगे। भाई उनको भिखारी बनवाना है, इतना भीड़ फ्री दे रहे हो। जहाँ तक बात है कांग्रेस की पॉलिसी की, तो हमारी जो इंडिया थी वो चाइना से पहले आज़ाद हुई थी। हमें वर्ल्ड को पहले ओपन होना था, पर कांग्रेस ने वर्ल्ड को पहले ओपन, इंडिया को ओपन नहीं होने दिया। चाइना ओपन हुई, चाइना पे सारे मैन्युफैक्चरिंग हब चला गया। अब चाइना वर्ल्ड की नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी जो एप्पल की और बाकी कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहाँ पे होती है। चाइना हमसे बहुत अमीर है, हमसे बाद में आज़ाद हुआ है चाइना। अगर वो क्या गलती थी, उनकी पॉलिसी नहीं थी, उन्होंने अपने आप को ओपन कराई नहीं, अपने जो ग्लोबल वो कंपनीज आ रही थी उनको खुद को ओपन कराई नहीं, कंपनीज आई नहीं, बिजनेस बनानी, चाइना है, चाइना मजे लेके निकल गई। मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ? अगर पीएम करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेसिडेंट करे तो कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे के लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट से करवाओ, तो ये तो पीएम भी तो कह सकते हैं ना कि चलो सर इनकी तो आपकी मान लेता हूँ प्रेसिडेंट। इसमें नीचा देखना, इसमें किसी को नीचा दिखाने वाली बात क्या है? अब मान लो जब पंद्रह से बीस पार्टियाँ कह रही हैं कि उनसे करवा लो, तो ये तो कह नहीं रही कि मत करो या आप मत करो या वो मत करो, वो ये क्या, ये तो पार्टियां कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है जो नरसंहार करवाई है, ठीक है, ममता बनर्जी कर रही है जो बंगाल में नरसंहार करवाई है, समाजवादी पार्टी कर रहा है जो अपने उसके मुलायम सिंह जी यादव जी से नरसंहार किए हैं, है वो ऐसे लोग कर रहे हैं कि मोदी कर रहे हैं तो क्या उनको तकलीफ हो रहा है? एक मिनट मुझे हम चल रहे हैं, जो भैया लोग नहीं भैया रुक जाइए, भैया लोग बोल रहे हैं कि नहीं मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जाके ये बोलते द्रौपदी मुर्मू के थे। सबसे सिंपल सी बात है, अभी इनका घर का बंटवारा होगा ना, छोटा भाई बोलेगा भैया हमको दे दिया, अरे नहीं हम पैसा रखेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम क्यों आके बोले कि नहीं भैया हमारा छोटा भाई इसको दे दिए। दूसरी बात अभी ओवैसी उनके जो भाई, सॉरी भैया ओवैसी जो उनके भाई थे, 15 मिनट तो कर रहे थे, तब कहाँ आ गया आपका, तब किस बार की बात हो रही थी? दूसरी बात, अखिलेश यादव जो अपने सरकार थे उन्होंने आपके समय 2015 का जाके देख लीजिएगा, जब 2015 का आपका नहीं 2015 का क्या सुनिए किसको, छोटे भाई पढ़ चुके हैं, छोटे भाई जा चुके हैं, ठीक है ना? और सुनिए क्या लगता है आपको, सुनिए जेल में डालना चाहिए उनको, 5 मिनट फैसला हो जाएगा, 5 मिनट में हिंदुत्व का फैसला हो जाएगा। मैंने वो छोड़िए बताइए, रुके क्या, 15 मिनट के लिए अगर पुलिस को फ्री आर्म दे दिया जाए, 15 मिनट के लिए, अरे 15 मिनट के लिए पुलिस को ओपन फायर करने का ये मसला ही नहीं है, वो तो इन लोगों ने खोला, वो तो नहीं सोचता है, वो तो चाचा से पूछते हैं, रुके चाचा जी, ये मेरा दोस्त है, अभी बोल रहा था मोदी, हम कट कर देंगे, तुम काहे मस्करी कर रहे हो, बोलो मोदी जी ये हैं वो हैं, कट कर दीजिए, बंद करके पूछ लीजिए, हम बता देते हैं आपसे भी, मोदी जी ये हैं सब, मायावती पार्क बनाई है, मोदी जी कहाँ जाके क्रिकेट का प्रैक्टिस करते थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनवाए हैं, बस इसका जवाब पूछ लीजिए, फिर अखिलेश बनवाए हैं, अखिलेश तो अपने नाम का नहीं बनवाया है, इसका जवाब दे दें, बस हम इतना पूछ लें। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात बोले ना कि नरेंद्र मोदी जी क्या काम करती है, अच्छा स्टेडियम, दूसरी बात ठीक है ना, ये जो बात बोल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी जो है भगवान है, वो भगवान है, आप कह रहे सुनिए आपके लिए ना खलनायक है, आपके लिए खलनायक है, यही मूर्खता है, मूर्खता है, जब आएगा 2024 में ना और आप जैसे लोगों को भगाएगा, ऐसे जब यहाँ से भगाएगा तब पता चलेगा, समझे ना, बाप में दम नहीं है, हमें भगाएगा यहाँ से, किसी के बाप में दम नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमें भगा देगा, हमें भगाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अब देखिए सुनिए, अभी आप भागो, एक मिनट बात चल रही थी संसद पे, संसद भवन मसला है मेरा, अब मसला ये है मेरे भाई, देखो मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं इनसे भी बात करना, आप मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखो पता क्या, संसद का उद्घाटन मोदी जी करें, हाँ सर संसद का उद्घाटन मोदी जी करें, अच्छी बात है, देखो सुनिए, राष्ट्रपति मुर्मू जी करें, अच्छी बात है, लेकिन दरअसल पता क्या है, मसला ये है कि जब राष्ट्रपति के साइन चाहिए होते हैं संसद भवन बनाने के लिए, दूसरी चीज़ यह है, संसद भवन एक देश की सबसे बड़ा मंदिर है, राजनीति का मंदिर है, उस पर पहला हक जो है वो राष्ट्रपति जी का ही होता है, क्योंकि वो महामहिम है, हक प्राइम मिनिस्टर का भी है, मोदी जी का भी पूरा हक है, कहाँ लिखा कहाँ है, नहीं मैं कह रहा हूँ लिखा कहाँ है, आपका परसेप्शन, नहीं नहीं तो मोदी जी कहीं, ये मैं आपको, आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ही उद्घाटन कर सकता है राष्ट्रपति ने, तो उन लोगों ने देखिए पहली जो चाल चल देता है जब काउंटर होता है तब पूछा जाता है, अब ठीक है, अब दूसरी चीज ये सुन लीजिए, बता दीजिए लोगों, मैं बता रहा हूँ आपको,
लोगों ने मोदी जी को भगवान मान लिया है, जो लिखा कहाँ लिख दिया, आप ये कह रहे हो बोल रहे हो कि लिखा कहाँ पे है। जब अपना मुर्मू जी को बनाया जाता है प्रेसिडेंट, तब पूरे देश में यही चलाया जाता है कि देखो जी हमने दलित को बना दिया, तो ये कहाँ लिखा आदिवासी, चलो आदिवासी, तो ये कहाँ लिखा था कि आदिवासी के लिए ये बोलो, क्योंकि उस वक्त वोट चाहिए थे, आज लिखत ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो नंबर वन जो प्रेसिडेंट होता है वो नंबर वन होता है, उसमें किसी ने लिखने की जरूरत नहीं होती। वोट दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जनता देती है वोट प्रेसिडेंट को, लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है या कोई और? नहीं, जनता देती है प्रेसिडेंट को वोट, वही तो सवाल है, नॉलेज है आपकी, तो महत्वपूर्ण कौन हुआ, आपके द्वारा चुना गया आपका प्रतिनिधि या किसी और सिस्टम के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि? आप क्या कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ नंबर वन प्रेसिडेंट नंबर वन होता है, इसमें जनता का उसमें सेलेक्ट करने की मतलब लोकतंत्र में कौन महत्वपूर्ण, लोकतंत्र में एमपी एमएलए काउंसलर्स एसडीएम सारे, एसडीएम कहाँ हो गया, चलो डेमोक्रेटिक थोड़े तो सारे इसमें एमपी एमएलए सारा कुछ है, लेकिन प्रेसिडेंट वो नंबर वन है, वो चुना वो एमपी ही चुनते हैं उनको, हाँ तो एमपी चुनता है आपका, मैं तो नंबर वन, नंबर वन है, कौन होता है नंबर वन आपका राष्ट्रपति, हिंदुस्तान का मालिक कौन है इस वक्त, हिंदुस्तान जिसको हमने चुना एमपी को, जिसको हमने चुना एमपी को वो उसको चुनता है। अच्छा बताइए दिक्कत क्या है, मैं आप बताता हूँ तो मेन दिक्कत कहाँ पे आ जाती है। चार दिन पहले जब से ये अनाउंस हुआ है कि अपना पार्लियामेंट ओपनिंग होने ली है, प्रधान सेवक जी की फोटो ऐसे फिर ऐसे, वो गलत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, अच्छा अरे चाचा जी तो उसमें उसमें दिक्कत ये है कि सबको जानना चाहता हूं, आपके मतलब सुनिए मैं देखिए, हम 18 साल से ऊपर के कोई सोच रहा हो कि भैया वोट नहीं देते तो हम भी वोट देते हैं, पहली बार आधार कार्ड लेके चल रहे हैं, हम आए मथुरा से, ठीक है, मथुरा में योगी सरकार है और बीजेपी की सरकार है भैया, ठीक है, पहले लोग जाते थे तो छेड़ा जाता था, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमको किसी से नफरत नहीं है, पर मुस्लिम भाई पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तब छेड़ते थे सब्जी मंडी में जब जाते थे, ठीक है, आज योगी की सरकार है, कहते बहन जी सब्जी ले जाइए, ये बीजेपी की सरकार बढ़िया कर रही है, हम कह रहे हैं भैया क्या दम नहीं था तो सबरा एरिया मुसलमानों का, हम क्या कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम ये हमको नफरत नहीं है हिंदू मुस्लिम से, नहीं तो हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई बीजेपी सरकार बढ़िया कर रही है, कोई कह रहा है कोई देखिए यो कहता है कि बनारस में इतना महंगा आपने जो बनवाया है भगवान जी का, हाँ भैया सुनो, हाँ सुनो बच्चे सही, हाँ बनारस में हाँ देखे, अरे मैं खुद भागवत करता हूँ, जा चुका हूँ बनारस देखने, भागवत कह गया नहीं तो रामेश्वरम हुआ है, मैं काशी हुआ है, बोलने का मौके बहुत जगह हुआ है, सुनने का सबसे ज्यादा वो करते हैं, और दूसरी बात जितनी पोशाक है नन्ना जी की वो गोपाल जी की वही बनाते हैं, तुम्हारे बनते हैं ना, मत बनवाओ तुम, अपने बच्चों को सिखा दो काम करने, वो तो कह रहा है ना हिंदू मुसलमान भाई भाई, आप कह रहे हो मुसलमान को हटाओ, इतना इतना ही नफरत है, उसने कहा भाई भाई, उसने कहा भाई, सुन नहीं रहे आप, तो सुन नहीं रहे हो, मत बनवाइए।